मेरा 10 साल का लक्ष्य है कि साल में हम उधर भी जो है बेगमपुर और राज स्थापित कर लें। 10 साल में बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन संकल्प ज्यादा चाहिए तो हम करते रहने, तो उससे भी नजर रखना कि हम कोई गलती ना करें, तो उससे हमारे सब बड़े प्रयास माए बहने बैठी तो उसे भी नजर रखना। और कोई जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की, जो बोले सो निर्भय अमरशीष संत रामानंद महाराज की जय। सतगुरु महाराज की प्यारी संगत जी, मैंने बाजू के वचन अभी सुनिए सी, और मैं भी बड़ी उम्मीद लेके जो है इस मिशन मूवमेंट में निकला सी। हम जिस राह चल रहे थे वो हमारी राह की, वो महान पुरखों की राह, उस राह को महान पुरखों के सपनों को पूरा करना उनकी औलाद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी। आज इस ऐतिहासिक जगह जब हम इटली में खड़े हैं, एक साल पहले मैं नहीं जानता था कि उस मौका का वाणा कि मैं इतना आ जाऊं, एक साल पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज की असीम कृपा हुई और मेरे गुरु माननीय साहब का आश्रम और बाबा साहब की भी असीम अनुकंपा हुई कि आज मैं यहां अटकी हूं। इसके लिए मैं बाबा साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश में लोकतंत्र दिया, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता, अगर वोट का अधिकार नहीं बाबा साहब हमें दिलाते तो ऐसे दिन हमारी जिंदगी में नहीं आते। ये अच्छी बात है, हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छे देशों में से एक है, हमें अपने देश पे गर्व, लेकिन उस गर्व का फायदा तब होगा जब उससे भी बेगमपुरा राज जैसा माहौल बन रहा है। वेरी गुड। अभी उससे बेगमपुरा राज जैसा माहौल नहीं, सब लोगों को रोटी कपड़ा मकान और सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को समाज के नाम समर्पित किया, हम उनके बच्चे भी उनके काम को पूरा करें। आप और मैं सब जानते हैं, ये नारा तो मैं बहुत सुनता कि बाबा साहब तेरी सोच में पैरा दे गए, वेरी, लेकिन सच में अगर बाबा साहब के बच्चे उनके सोच पे पैरा ठोक के देने लग गए तो वो दिन दूर नहीं कि पूरी दुनिया में जो है रविदास या कौम का भी और हरदय निशान का भी और महान पुरुखों के सपनों का भी जो है राज आ जाएगा। मैं तो कोशिश करता हूं, आप जानते जी मैं 16 महीने जेल काटी, कभी मेरी कोई अपनी लड़ाई नहीं थी, सब समाज में जब भी मुसीबत आई ऐसे सीना तान के समाज की लड़ाई लगी, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। 16 महीने के बाद जब दिल्ली में गुरुगढ़ तोड़ दिया गया तो भी ऐसी चैंसन नहीं बनते, तो भी अखाण में लोग हम लोग जेल गए, खाई जो भी जुल्म हो सकता था वो साफ, पैर के नखून भी खींच ले गए, दांत भी तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, तमाम लाठियां पड़ी शरीर में, क्योंकि अगर हम अपने गुरुओं का सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, अपने गुरु घरों के सम्मान की रक्षा नहीं करनी, तो हमारा होना ही बेकार। तो मैंने तो हमेशा जब जब मुझे मौका मिला जहां जहां समाज पे आ जाए मैंने आगे बढ़कर पढ़ाई को लड़ा, और सिर्फ अपने समाज की नहीं, मुस्लिम भाईचारे की भी, तमाम वाल्मीकि भाईचारे, सब भाईचारों की जितनी भी लड़ाई, किसान भाईचारे, जिसके भी कोई गुरुओं ने जो हमें सिखाया थी वो मानवता की बात सिखाई थी, भाईचारे की बात सिखाई थी, सबके दर्द को अपना दर्द समझना सिखाई थी, तो हम तो उन्हीं के रास्ते में चल रहे थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे काम अधूरे हैं, जब तक बेगमपुरा राज नहीं आएगा तब तक सुख शांति का जीवन नहीं मिलेगा। मैं इधर यहाँ जो उपस्थित हमारे साथ संगत है उनको भी कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने, मैं सुनाता सबको सुनाता जितने भी मैं जाना, कि महाराज जी ने धर्म की बात तो की, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी राज की बात भी की। वेरी गुड। बिना राज जो है वो जैसे आदमी रात में सो जाना ये सोच के कि सब अच्छा से सपने में सब अच्छा लगता है, बिना राज की जिंदगी ऐसी। सदगुरु महाराज ने कहा, रविदास मानुष करी बसनो शुक्र है दोइठा, एक सु सब राज माही दूसर मरगन का, कि अगर सुख शांति का जीवन चाहिए उसके दो ही रास्ते हैं, पहला स्वराज माही अपना राज लाओ, अगर जीते जी चाहिए इज्जत की जिंदगी सुख शांति की जिंदगी तो अपना राज लाओ, और दूसरा मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट का विस्तार, जीते जी अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राज लाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, तो तुसी तो बहुत बड़े चंगे महान पुरुष जी, सब लोग इतना बड़ा काम करती हो,
मैं तो इटली वालों की जय जयकार करता हूं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि इटली वालों का भी और देश में जहां भी सदगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेवा संगत रहती है, या हमारे और महान पुरुष रामदेव महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, कबीर महाराज हो, या बाबा साहब माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग, तो वो सब इकट्ठे रहे, एकजुट होकर रहे, क्योंकि हमारी नाक बड़ी ऊंची है। आप छोटी छोटी बात पे झगड़ा बहुत करते हैं। वेरी गुड। जिस दिन हम मिशन का काम करेंगे ना, तो नाक अपने आप छोटी हो जानी, क्योंकि काशीराम साहब हमें सिखा के गए कैडर में ना कि भाई जब मिशन का काम करने के लिए आदमी निकलता है तो फिर घर से निकलते हैं ना, अपनी इज्जत घर में छोड़ के जानी पड़ती। जब समाज का काम करने निकलो ना, तो अपमान भी होगा, आरोप भी लगेंगे, मुसीबतें भी आएंगी, धक्के भी होंगे, सब कुछ होंगे। अगर मिशन का काम करना तो ये सब चीजें घर छोड़नी पड़ेंगी। शाबाश। कोई अगर नाक बड़ी करके समाज काम करने जाएगा तो ज्यादा कर नहीं पाएगा। साहब सिखाते थे कि भाई जिस समाज को समझाने जा रहे हो, समाज बड़ा कमजोर समाज है, वो संघर्ष से पहले रोटी कपड़े मकान में ध्यान रखता थी, तो जब तुम जाकर मिशन की बात बताओगे स्वाभिमान की, तो हो सकता उसको अच्छी लग रही तो गाड़ी पर देना था, तो गाड़ी की परवाह करिए, सम्मान की परवाह, तो काम नहीं कर पाना, तो इसको घर रखे जाना जो मिशन का काम हो। तो अच्छी तो सिपाही सी थी, महापुरुखों के मिशन के सिपाही से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, चार से गोली भी खाई थी, तो आप कुछ जान इसे तो जान के दाव पर लगा रखी थी। ये तो मौका लग गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराज भी दया से बन गए, नहीं बन गए थाड़े में अपना काम उसे जरूर करने। और तुझे जानते पार्लियामेंट में मैंने पाइये भी दस में से आदमपुर जो एयरपोर्ट है महाराज जी, मैंने दसा भी सेल्स कर बोले उधर, वो प्राइम मिनिस्टर कह के गया कि आज ये जो आदमपुर एयरपोर्ट है इसका नाम हम लोग सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम। तुझे सवाल पूछना भाई उसको, मैं कहा चिंता मत करो, मैं आज सामने जा रहे थे पार्लियामेंट, सामने पूछना। सतगुरु रविदास महाराज की शाम में गया, मेरा नंबर आ गया, उस दिन देर तक चली, मैं खड़ा हो गया, मैं महाराज सवाल पूछने, बोले जी कि मैं कहा अच्छा है कि ये नगर विद मंत्री इतने ही है, विमान मंत्री, मैंने सवाल पूछना है। मैं कहा प्राइम मिनिस्टर जाके हमारे यहाँ कह के आए पंजाब में बड़ी 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 रैली में कि भाई ये आदमपुर एयरपोर्ट का नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखना, क्योंकि हमने अयोध्या में जो एयरपोर्ट का नाम रखा भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम पर रखा। तो मैं कह प्रधानमंत्री की बात का कोई मौलवी होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कह रहे तुम करने नहीं, मैं कहा प्रधानमंत्री चाहते नहीं या तुम करने नहीं, दोनों तय कर लो, मगर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे होगा, ये बात अपने कानूनों में डाल लें, क्योंकि ये होना ही। महाराज जी मैंने दस अभी शेष गड़ी उधर के वो बेगमपुरा जो ट्रेन जैसी जानी वो बड़ी गंदी होनी, उसमें बहुत परेशानी होती, एक और ट्रेन जानी उसकी भी दिक्कत होनी, तो यार ध्यान रखना। तो मैं कहा महाराज चिंता मत, अगले दिन मैं रेल मंत्री फंस गया, मैं पार्लियामेंट था, मैं रेल मंत्री ने पकड़ लिया, मैंने महाराज सुन के जाना मेरी बात, मतलब क्या मैं आंटा कर, मैं माई पकड़ा महाराज, मैंने कहा थोड़े सवाल ही है, सबके आत्मा का सम्मान है, हमारे जो दिल्ली वो बनारस में जो है चतुर रविदास जी हमारी जयंती होती, तो हमारे मान पुरुष जाते, हमारे संगत जाती है, और ट्रेन के आलत बड़े होते 50 लाख रुपए देते हैं ट्रेन को, तो फिर भी ट्रेन गद्दी मिलती, मैंने की फायदा फिर थोड़ा। तो फिर मैं कहा मैं इस बार जब ट्रेन जाएंगे ना, अगर महाराज ने मुझे फोन करके नहीं कहा कि भाई बहुत बढ़िया काम हुआ, तो मैंने कहा फिर महाराज याद रखने ना कि मैं कपड़े फाड़ देने थोड़े। तो कहने लगे नहीं महाराज इस बार नहीं, आप मैंने पहले दस देना, जब होगा मैं बिल्कुल चंगा करा के भेजा तो फोन आना महाराज, तो मैं तो कोशिश कर देना। और दिल्ली गुरु कर दी आवाज भी पार्लियामेंट ने उठाई थी, तो सुना होगा भाई लाठी खाई वो अलग बात है, लेकिन मैंने आवाज भी उठाई कि भाई जब राम मंदिर बन सकता तो साडा गुरु घर भी बन सकता है, साडे भी, और मैं उठे ही गया माथा टेकने, लेकिन जब मैं उसके हालात देखे ना एक ईंट नहीं लगी भाई, मैंने बड़ा दुख था। तो कुछ बातें मैं अपने मन में दिल में रखनी थी, करके दिखाना पाई, बोलना नहीं, बोल देने वाले तो बहुत सोच करके दिखाना, ऐसा करके दिखाना कि तुम इतने रहने नाज होना कि भाई अपनी कौम का कोई जो है बच्चा कुछ करके दिखा रहे, असि मुंह ने नहीं बोलते, मुंह तो बोलते तो बहुत लोग थे, फिर कह रहे असि करके दिखाना, असि सतगुरु रविदास जी महाराज के सच्चे पुत्र, असि बाबा साहब दे गुरु कबीर दे, और असि तो लाल जो है ना सतगुरु रामानंद जी महाराज कौम के शहीद लग गए, उसका जीवन में एक ही सपना की अपनी शहीदगी होनी, एक्सीडेंट में बीमार होकर नहीं बनना, अगर जिंदगी में आखिरी दिन होना तो शहीदगी के तौर पर होना, कौम जाने के बाद याद रखा, ऐसा काम भी ऐसे कर जिंदगी चाहे 4 दिन की हो लेकिन होगी अच्छी। बाबा साहब ने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है स्वाभिमान सम्मान से, बस तो कोशिश कर रहे जैसा जीवन सम्मान का हमें मिले, हमारे देश ने हर आदमी को मिले, उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत हुई, आप चिंता मत करो,
मेरा 10 साल का लक्ष्य है कि 10 साल में हम उधर भी जो है बेगमपुरा राज स्थापित कर दें। 10 साल में बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन संघर्ष ज्यादा चाहिए तो हम करते रहने। तो उससे भी नजर रखना कि हम कोई गलती ना करें। तो उससे हमारे सब बड़े बड़ा माए बहने बैठी, तो उसे भी नजर रखना और कोई